नमस्कार दोस्तों, लैंडमार्क का अगला प्रोजेक्ट जो है ओशेस ग्रीन के नाम से आया है बहरोड के पास में। एक्चुअली आज हम इसकी फुल डिटेल और आपको साइट विजिट करवाएंगे। सोता नाला से थोड़ा सा पहले, मतलब बहरोड क्रॉस करने के बाद और सोता नाला से थोड़ा पहले जो ये एक बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं जयपुर की तरफ तो ये आपको पड़ेगा राइट साइड में। अगर आप जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो ये आपको पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो आइए अब हम जो सर्विस लाइन पे आ गए हैं, अब हम प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। ये इसका कनेक्टिविटी रोड है प्रोजेक्ट का। अब हम इसके अंदर से जा रहे हैं। ये पेड़ लगाए हुए हैं, काफी अच्छा इन्होंने एंट्रेंस दे रखा है डिवाइडर वगैरह प्रॉपरली करके, और जो मेन एंट्रेंस है इसके साइड में बाउंड्री भी है। तो अभी हम थोड़ा अंदर है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी बड़ा है, तो इसी के अंदर अभी हम चल रहे हैं। और अभी जो है मेन कनेक्टिविटी रोड है इसी पे हम चल रहे हैं। जो कनेक्टिविटी रोड है ये काफी ज्यादा चौड़ा है, और मैं बोलूँ तो ये अगर 4 लाइन अभी बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। यहाँ से जो आगे टी पॉइंट आएगा वहां से हमें राइट लेना है। राइट लेने के बाद में हमें थोड़ा आगे चलने के बाद में ये ओशेस ग्रीन की ब्रांडिंग है, इसके साथ से हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद में हमें सीधा चलना है, और एक आपको होर्डिंग लगी हुई दिखाई देगी ओशेस ग्रीन की, तो यहीं पे होर्डिंग से ही हमें लेफ्ट साइड में लेना है। लेफ्ट साइड लेने के बाद में आपको यहाँ पे हमारा जो है क्लब हाउस, स्विमिंग पूल ये भी बन रहे हैं वहां पे। अभी आपको प्रोजेक्ट वगैरह ये आसपास का दिखा देते हैं व्यू। इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि जी इस प्रोजेक्ट का व्यू काफी अच्छा है। सामने अभी इंडस्ट्रियल एरिया दिख रहा था आपको केसवाना वाला, और ये हिल व्यू है। चलिए हम गाड़ी ना साइड में लगा देते हैं और आपको जो है अच्छे से प्रोजेक्ट का व्यू दिखाते हैं। ये है स्विमिंग पूल, और जो है क्लब हाउस का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सामने फ्रंट में क्लब हाउस है, इसके बिल्कुल बैक साइड में स्विमिंग पूल का काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाया हुआ है, और ये NH-8 है जो अभी ट्रक वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब NH-8 पे ही चल रहे हैं। तो ये NH-8 से भी मेन कनेक्टिविटी पे है, और आपको ये हो गया चारों तरफ का व्यू, और ये है केसवाना इंडस्ट्रियल एरिया। मैं इसकी ये देखिए अभी NH-8 आपको क्लियरली नजर आ रहा है। एक्चुअली हम जो क्लब हाउस है उसके छत पे आ गए हैं, और ये है सोता नाला इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ से आपको क्लियरली नजर आता है। ये काफी अच्छा व्यू है इस प्रोजेक्ट का। सबसे अच्छी बात यही है इस प्रोजेक्ट की कि इसमें चारों तरफ ग्रीनरी है। ये अपना केसवाना इंडस्ट्रियल एरिया नजर आ रहा है यहाँ से, और इसका जो हिल व्यू है इस साइड का ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए आप, अगर आप यहाँ पे रहने के लिए भी देख रहे हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा सुकून मिलने वाला है आपको, क्योंकि हिल व्यू साथ में आपको इतनी शांति वाला एरिया और ग्रीनरी कहीं नहीं मिलेगी इस प्राइस में। और कनेक्टिविटी की बात करें तो बिल्कुल मेन हाईवे पे ही है ये, और मैं आपको बताना भूल गया जहां से हमने एंट्री करी थी। एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा जब हम इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलेंगे, ये कुछ फोटोज डाली हुई है देख लीजिए। जब हम इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलेंगे तो जैसे ही हमारा जो मेन गेट है, अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, जब मैं आपको दिखा दूंगा जो मेन गेट है वहीं पे जो रैपिड मेट्रो, जो प्रपोज रैपिड मेट्रो है उसका स्टेशन बनना है। तो अभी हम प्रोजेक्ट को जो है देख चुके हैं चारों तरफ से, ऊपर से, और वहां से ओवरव्यू कैसा है इंडस्ट्रियल एरिया जो केसवाना का भी दिखता है, वहां से सोता नाला भी ज्यादा दूर नहीं है, जो हिल व्यू है वो भी काफी अच्छा आ रहा है। तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं।
चलिए, तो हम जैसे आए थे हमने राइट लिया था, अब हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद में सामने ही हाईवे आ गया है। तो जो हाईवे है इससे राइट साइड में चलने के बाद जो सोतानाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है उससे थोड़ा सा पहले रैपिड मेट्रो का प्रपोज मेट्रो स्टेशन है। मतलब अपने प्रोजेक्ट से जस्ट 100 मीटर भी रैपिड मेट्रो का जो है स्टेशन नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। अभी हम वापस सर्विस लाइन पे आ गए हैं और हम दिल्ली गुड़गांव की तरफ, गुड़गांव दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। तो अब हम NH 8 पे चढ़ेंगे। तो आपने अच्छे से कनेक्टिविटी भी देख ली है प्रोजेक्ट की और हमें किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे सेल्फ या फिर विजिट हम कर सकते हैं। आपको प्रॉपरली जो प्रोजेक्ट का रास्ते का या ओवरव्यू का पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ अधूरी रह गई हो जानकारी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट भी इसी नंबर पे आप बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।